हेलो एवरीवन, राखी राज रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ जो लोग वैसे भी बना के खा सकते हैं लेकिन व्रत में भी खा सकते हैं, जो है चुकंदर का हलवा। और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी खिला सकते हैं। इसको गुड़ के साथ बनाने जा रही हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है। ये मैंने चुकंदर ली है जो कि हाफ के जी चुकंदर थी, जिसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। ये खोआ है, देसी घी है। खोआ ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने गुड़ लिया है जो कि 100 ग्राम्स गुड़ होगा, बिकॉज चुकंदर ऑलरेडी मीठी होती है। आप चाहे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पे एक पैन रख लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। मैंने छोटी वाली 2 चम्मच देसी घी रखी हुई है, हम इसको इनमें डाल देंगे। अब मैं इसको ढक देंगे जिससे ये चुकंदर पक जाए, और इसको स्लो गैस पे पकने देंगे। स्टीम के साथ ये बहुत अच्छे से पक जाए। चेक कर लेते हैं चुकंदर गल गई है कि नहीं। चुकंदर अच्छे से गल चुकी हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, और देखिए बिल्कुल एकदम सेट हो चुकी है। अब जो मैंने जैगरी रखी है, अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैगरी डालने के बाद हम इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढकने देंगे, जिससे जैगरी बीटरूट के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो लोग व्रत रखते हैं, आप 9 दिन के लिए देवी माँ के लिए 9 दिन का अलग अलग प्रसाद भी बना सकते हैं और उनको भोग में भी चढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। वाओ, देखना कुछ इस तरीके से जो जैगरी पाउडर है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है। कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, कुछ हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सी मैंने किशमिश भी डाली है। आप इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप अपनी चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और मीठा आप दोनों अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख। इसको अच्छे से भुनने देंगे। तो देखिए अगर आप इसमें खोआ भी नहीं डालेंगे तो वैसे भी ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है दिखने में, बहुत ही अच्छा है। मेरे पास थोड़ा सा खोआ रखा है तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब खोआ डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। बच्चे जो होते हैं छोटे, वो अक्सर नहीं खाते हैं, तो हम एज ए मदर या तो उनको पराठा बना के देती हैं या चपाती बना के देती हैं या इस तरीके से उनको हलवा फॉर्म में बना के देती हूँ। तो देखिए दिखने में कितना अच्छा, कितना प्यार, इसको देख के ही खाने का मन कर रहा है। गार्निशिंग के लिए ऊपर से मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालिए हैं। तो आप बताइएगा किस किस ने ये बनाया, किस किस को अच्छा लगा, नीचे मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो इस रेसिपी को लेके तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नवरात्रे आने वाले हैं तो मैं नवरात्रों के लिए शॉर्ट वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी, जो कि बहुत ही क्विक रेसिपी होंगे और आपको भी बहुत पसंद आएगी। बहुत जल्दी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।